लोग बोलते हैं कि यहाँ भूतों की मीटिंग चलती है, भूतों का बाजार चलता है, और रात को अलाउड नहीं है यहाँ पे आना। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, अभी हम हैं जयपुर में। लास्ट व्लॉग में दिखा हुआ हम जयपुर आए हुए हैं, और ये जो शहर है ना, इतना सुंदर है, इतना ज़्यादा प्यारा है। कल हम थोड़ा बहुत घूमे थे, बहुत मज़ा आया। तो आज हम जा रहे हैं भानगढ़, मोस्ट हॉन्टेड प्लेस ऑफ इंडिया, जहाँ पे मतलब भूत भूत होते हैं लोग कहते हैं। तो हाँ, आज जाके देखते हैं कितने भूत हैं वहाँ पे और कितना हॉन्टेड प्लेस है वो। यहाँ से अराउंड 1 घंटे का रास्ता है बस जयपुर से। तो चलो चलते हैं भानगढ़, भानगढ़ किला। फिलहाल अभी नहा धो के रेडी हो गए, थोड़ा लेट हो गया लेकिन बिकॉज मैं तो सुबह 4 बजे सोया था एडिट करके, तो थोड़ा आराम से उठे हम, आराम से 9 बजे। तो हाँ चलो, फिलहाल मैं तो हो गया नहा धो के रेडी, साहिल गया नहाने, शुभम रेडी हो गए, तो चलते हैं सीधा भानगढ़। और देखो, नहा धो के कपड़े वपड़े सब यहीं पर सुखा दिए, बिकॉज और तो जगह है नहीं कहीं पर। और खाना पीना भी रास्ते में कहीं पर खा लेंगे, अभी तक तो कुछ नहीं खाया हमने। ये देखो, कल रात को क्या मस्त लग रहा था जयपुर भाई, कितनी मस्त लग रही है लाइट, देखो कितना प्यारा लग रहा है। देखो भाई, मतलब ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना सुंदर होगा जयपुर, बहुत बहुत सुंदर है गाइस। तो आप भी जरूर आना अगर आप अभी तक नहीं आए जयपुर। तो चलो आज चलते हैं फिलहाल भानगढ़ का किला, आज हॉन्टेड प्लेस पे चलते हैं। वैसे यूजुअली मैं अपने व्लॉग में बोलता ही नहीं हूँ भूत, हॉन्टेड प्लेसेस, इस तरह की चीज़ें, लेकिन आज जाएंगे बिकॉज वो मोस्ट हॉन्टेड प्लेस है इंडिया का। तो चलो देखते हैं जाके कैसा लगता है वहाँ, कैसी एनर्जी आती है, कैसा फील होता है वहाँ जाके, हमको भी डर लगता है या नहीं लगता। और हम गए थे इस रोड से, देखो पहाड़ के ऊपर रोड है ये। तो इतने साइल रेडी हो रहे हैं, टॉप फ्लोर पे चलते हैं, वहां से देखते हैं कैसा व्यू आ रहा है। ऊपर से ना पूरा जयपुर दिख रहा है यहाँ से मस्त। हमको जाना है टॉप पे, टॉप पे पूल भी है, जिम भी है। तो अभी हम आ चुके हैं अपने होटल के टॉप फ्लोर पे, और यहाँ पे देखो पूल भी है, और सामने का व्यू दिखाता हूँ, सामने पूरा जयपुर दिख रहा है यहाँ से मस्त। तो देखो यहाँ से दिख रहा है पूरा जयपुर, कितना मस्त व्यू आ रहा है, सामने पहाड़ भी है। जयपुर के चारों तरफ ना पहाड़ी पहाड़ है देखो, और ये बहुत सुंदर लगता है, बहुत ज्यादा। वीडियो में उतना लग रहा है, रियल में बहुत सुंदर है ये। और ये होटल का पूल है जहाँ हम जा सकते थे लेकिन हम नहीं गए बिकॉज टाइम नहीं था इतना। गाइस, मैं ट्राई करता हूँ कि मैं जहाँ भी ट्रैवल करूँ ना वो जगह आपको अच्छे से दिखा पाऊँ, इसलिए मैंने ये होटल बुक करा, क्योंकि यहाँ से देखो व्यू अच्छे से दिख रहा है ना। तो हाँ, ये सब चीज़ें ना, ये देखो शहर के चारों तरफ इस तरह के पहाड़ हैं, चारों तरफ हैं ये पहाड़ देखो। क्योंकि यहाँ पे जो राजा महाराजा रहते थे ना, वो बिल्कुल टॉप पे रहते थे, अगर कोई नीचे से हमला कर रहा है तो हाँ अच्छे से दिख जाएगा ऊपर से, इसलिए उनके जो किले होते थे ना वो बिल्कुल टॉप पे पहाड़ पे होते थे। यहाँ पे तो उस टाइम पे सारा जंगल होता होगा। तो अभी गाइस साहिल भी रेडी हो गया, और अभी हम आ गए, और अभी गाड़ी आएगी हमारी, और यहाँ बारिश स्टार्ट हो गई है मस्त। हाय, क्या नाम है आपका? कितने साल के हो आप? 5 ईयर। चलो हमारी गाड़ी आ गई है, बाय। तो गाइस यहाँ से भानगढ़ 80 किलोमीटर, तो 1.5 घंटा लगेगा। देखो हम 1 बजे पहुंचेंगे। यहाँ पे टनल आ गई, 40 की स्पीड लिमिट है, लेकिन ये बस बहुत तेज चल रही है भाई। ये चल रही है बस, कम से कम 70 पे चल रही है बस, क्योंकि देखो 40 पे तो मैं चल रहा हूँ। ये देखो भाई, ये और तेज भाई, सब तेज चल रहे हैं, लेकिन भाई मैं नहीं चलूंगा, मैं तो अपने 40 पे ही चल रहा हूँ भाई। भाई कितना प्यारा रास्ता है देखो। तो भैया इस रुके कुछ खाने के लिए, यहाँ पे फ्रूट्स वगैरह दिख रहे हैं, तो फ्रूट्स वगैरह ले लेते हैं, और तो कुछ दिख नहीं रहा। क्या चाहिए? केले खाओगे? केले एक दर्जन, केले दो, एक दर्जन केले। तो गाइस खाना पीना ले लिया है, और अभी हम जा रहे हैं खाने के लिए, पता कौन सी जगह पे आए दिखाऊं आपको। तो ये देखो हम कहाँ पे आ गए, तो यहीं पे खाएंगे बैठ के, मस्त पिकनिक मनाएंगे यहीं पे। भेड़ और बकरियां यहाँ बहुत सारी, देखो देखो कितनी मस्त जगह पे रोकी हमने गाड़ी। ये देखो कहाँ बैठ रहे हैं, देखो फॉर्च्यूनर का ये फायदा है, कहीं भी ले आ सकते हैं, जैसे हम ऑफ रोडिंग करके यहाँ पे आ गए मस्त। तो हमारे पास कचौड़ी भी, हमने कचौड़ी भी ली है। तो मस्त एक कचौड़ी खा ली है, बस एक दिक्कत हो गई, कुछ बिछाने के लिए होता है तो नीचे बैठे खाते मस्त। अभी तो फिलहाल गाड़ी को हमने डाइनिंग टेबल बना दिया अपना, गाड़ी के पीछे रख के खा रहे हैं, लेकिन मजा आ रहा है। तो सारा सामान यहाँ से उठा दिया और उसमें पैक कर दिया हमने, डस्टबिन में डाल देंगे। तो चलो पेट पूजा हो चुकी है, अब चलते हैं सीधा भूतों की नगरी, भूतों के शहर भानगढ़ में। ₹50 पार्किंग है यहाँ पे। किसकी पार्किंग है? भानगढ़ की। हाँ भानगढ़। तो पहुंच चुके हैं भूतों की नगरी भानगढ़, ये है भानगढ़ किला। तो यहाँ से लेनी है टिकट, एक फोटो, ₹25 एक टिकट है। तो हमको जाना ऊपर वहाँ पे किला। इस वीडियो में अगर मैं कुछ भी बात करूंगा भूत के बारे में या फिर किसी भी चीज के बारे में, तो वो किसी अंधविश्वास को बढ़ाने के लिए नहीं करूंगा, जो लोग बोलते हैं यहाँ के बारे में उस हिसाब से बात करूंगा, और जो मैं फील करूंगा मुझे कैसा लगता है यहाँ पे आके, मुझे डर लगता है या फिर कैसी पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी कैसा लगता है वो बताऊंगा, बस बिल्कुल रियल, कोई ओवर एक्टिंग नहीं करूंगा कि हाँ भूत है ऐसा लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं। फिलहाल अभी तक तो सही लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। तो यहाँ की हिस्ट्री ये है कि ये 500 साल पुराना किला है, और यहाँ पे राजा महाराजा रहते थे, युद्ध हुआ था तो सारे मर गए थे, तो कहते कि उनकी आत्माएं भटकती है यहाँ पे, जो लोग मर गए थे ना यहाँ पे श्राप मिला था तो सारे मर गए थे, ऐसे ये सब बोलते हैं। तो मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया क्या सीन था। लोग बोलते हैं कि यहाँ भूतों की मीटिंग चलती है, भूतों का बाजार चलता है, और रात को अलाउड नहीं है यहाँ पे आना। दिन में तो यहाँ बहुत लोग घूमने आ रहे हैं, जैसे कि आपको दिख ही रहा होगा,
काफी भीड़ है यहाँ पे। तो 500 साल पहले कोई ना कोई यहाँ पे रहता होगा, किसी का चूल्हा होगा, कोई यहाँ पे नहाता होगा, कोई यहाँ पे खाना खाता होगा, कोई क्या क्या करता होगा, लेकिन सब कुछ टूट गया यार। ये बेसिकली पूरा एक शहर है देखो यहाँ पे, जो कि पूरा खत्म हो चुका है। तो अभी तक जितना मैंने घूमा है मुझे तो बिल्कुल भी नेगेटिव फीलिंग आ रही नहीं है, या फिर कुछ भी ऐसा लग नहीं रहा, बिल्कुल पॉजिटिव पॉजिटिव ही लग रहा है। और मतलब इनको देख के अच्छा लग रहा है कि उस टाइम पे कैसे होता था, तो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ चीज़ों को। ये देखो ये नहीं टूटा अभी तक, कैसा होता था पहले ज़माने में। तो जो पीछे घर थे, जो पीछे था वो गांव था, अब हम जा रहे हैं राजा के महल में। राजा का महल आगे है, जो कि बताते हैं सबसे ज़्यादा भूतिया जगह वही है, राजा का महल सबसे ज़्यादा भूतिया है। तो ये है मेन गेट राजा के महल में जाने का, तो यहाँ से राजा का एरिया स्टार्ट होता है। चलो चलते हैं अंदर। तो यहाँ पर पिलाया जा रहा है पानी सबको। भाई ये सही है, बहुत प्यास लग रही थी मुझे तो, सहेल भी पी रहा है। ये तो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, मुझे लगा था कोई डरावनी जगह होगी, डर लगेगा वहाँ पे जाके, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ तो बहुत सुंदर और मतलब अच्छा सा लग रहा है मुझे, मंदिर भी है, पीछे किला भी है, गार्डन भी है, और आपने दिखाया, मैंने शहर दिखाया आपको, तो मतलब अच्छा लग रहा है मुझे तो काफ़ी। ये सामने दिख रहा है ना, ये है मेन किला। तो पहले हम जा रहे हैं मंदिर। इस मंदिर पे वर्क देखो कितना डिटेलिंग वर्क कर रखा है, और ये कितने साल पुराना मंदिर है, उस टाइम पे भी इतनी खतरनाक डिटेलिंग होती थी। देखो मैं खुद एक आर्टिस्ट हूँ, तो मुझे ये डिटेलिंग वाली चीज़ें ना बहुत पसंद आती है, इस तरह की देख के ना इंस्पायर हो जाता हूँ भाई, कि भाई कितना मेहनत वाला काम है भाई ये, देखना सिर्फ इतने से पार्ट को करने में कितना टाइम लगा होगा पता है, बहुत बहुत ज़्यादा। और देखो पूरे मंदिर पे काम कर रखा है। तो ये मंदिर से तो आ गया हूँ, और यहाँ मस्त ठंडी ठंडी हवा चल रही है। अब चलते हैं मेन किले में, और यहाँ पे ड्रोन अलाउड नहीं है, इसलिए मैं ड्रोन नहीं लेके आया, ड्रोन नहीं उड़ा सकते यहाँ पे। चलो भाई चलो चलो, अब आपको दिखाते हैं किला, मेन किला दिखाते हैं आपको। हैं जाओ चले, और क्या कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। एक और गेट आ गया। किला भी टूटा पड़ा है देखना, सारे पार्ट्स पड़े हैं किले के। वहाँ से वॉक करते 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 वहाँ से यहाँ आए हैं भाई। यहाँ से देखो सामने का पूरा एरिया दिख रहा है, अगर कोई अटैक करेगा तो पता चल जाएगा पता। तो यहाँ पे हमको सब्सक्राइबर भी मिले हमारे, यहाँ पे तोप होते तोप छुड़ाओ, सीधे तोप छुड़ाते होंगे सीधा, कोई भी दुश्मन आया सीधे तोप से। गाइस यहाँ पे आने के बाद इतना सुंदर लग रहा है ना ये, कि भूतिया वूतिया मेरे माइंड में कुछ आई नहीं, मैं भूल गया कि मैं किसी हॉन्टेड प्लेस पे हूँ, वो भी इंडिया के एशिया के सबसे बड़े हॉन्टेड प्लेस पे हूँ, मेरे लग ही नहीं रहा ऐसा कुछ, वो माइंड में मेरे आ ही नहीं रहा। या फिर हम ही भूतिया लोग हैं। हाँ हम भूतिया लोग हो सकते हैं, गाड़ी हमारी वहाँ पे खड़ी है देखो, वहाँ पे इतनी दूर से पैदल आए हैं, लेकिन वर्थ है यहाँ पे आना, मतलब लाइफ में एक बार तो जरूर आना, आपको मजा आ जाएगा, मतलब बहुत बहुत सुंदर जगह है, बहुत सुंदर जगह है। गाइस इमेजिन करो 500 साल पहले यहाँ पे कैसा होता होगा, मतलब यहाँ पे सारे घर होते होंगे, यहाँ सारे लोग रहते होंगे, यहाँ पे कितना मस्त लगता होगा ना, अगर अभी दोबारा वैसी हो जाए तो, दोबारा वैसी हो जाए तो यहाँ से 15 रानियां देखती होंगी नीचे को। तो अब जा रहे हैं गाइस वापस गाड़ी तक। गाइस करने को तो मैं वो सब कर सकता था कि भूत दिख रहा है यहाँ पे मुझे अजीब सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है, वैसे लग रहा है, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो मैं क्यों दिखाऊं भाई। मेरे को तो भाई बहुत अच्छा लगा, मैं कहूँगा आओ भाई मजा आएगा आपको। तो गाइस फिलहाल मैं इस व्लॉग को एंड करता हूँ। इस व्लॉग में आपने देखा भानगढ़ का किला, मोस्ट हॉन्टेड प्लेस ऑफ इंडिया और एशिया। तो मैंने अपना एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर किया, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। तो हाँ अब फिलहाल हम जा रहे हैं कहीं और, हवा महल, नारायणगढ़ फोर्ट, और भी पता नहीं कहाँ, जब टाइम मिलेगा तो चले जाएंगे, तो वो आप देखना नेक्स्ट व्लॉग में। फिलहाल मैं इस व्लॉग को एंड करता हूँ, आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सच फॉर वॉचिंग। और यहाँ पर ड्रोन अलाउड नहीं है, अबे मैं बोल रहा हूँ ड्रोन लाने पूं पूं कर रहे हैं पूं पूं।